महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम से सीट से लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। कहा, बीजेपी के रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। नॉमिनेशन से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। कोलाबा से बीजेपी कैंडिडेट राहुल नार्वेकर का दावा, इलेक्शन में करीब 50,000 वोट से जीतेंगे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी करीब 12 चुनावी सभाएं करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने दी जानकारी। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। जिशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले, कठिन समय में बहुत चेहरों के रंग बदलते हैं। बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन की। डीसीएम अजीत पवार मौजूद रहे। निशिकांत भोसले को इस्लामपुर में मिला टिकट। तासगांव से संजय काका को अजीत गुट ने बनाया कैंडिडेट। एनसीपी अजीत पवार गुट से ने दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया। अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेगी नवाब मलिक की बेटी सना। महायुतों में 288 सीटों में से एकमात्र 11 सीटों पर फैसला होना बाकी। अजीत पवार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत का दावा, कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारी जीत निश्चित। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। औरंगाबाद सेंट्रल में IMIM कैंडिडेट होंगे नासिर सिद्दीकी। असुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले सपा नेता अबू आजमी, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं एमबीए से भीख नहीं मांगूंगा। कल अगर सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ तो सपा 25 उम्मीदवार घोषित कर देगी, अबू आजमी का बयान। वर्ली से शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट आदित्य ठाकरे, बोले सीएम शिंदे की लूट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए MNS ने 5 कैंडिडेट का ऐलान किया। कस्बा फेट से गणेश भोकरे को उम्मीदवार बनाया। JMM ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। झारखंड के जामा से लुइस मरांडी को कैंडिडेट बनाया। झारखंड के सरायकेला से बीजेपी प्रत्याशी चंबर सोरेन ने भरा पर्चा का स्थानीय नेता पहुंचा।